वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज का हमारा टॉपिक है वीनस। यदि आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के आइकन को दबाना मत भूलें। आपको मेरे चैनल पर सब कुछ मिलता है, जैसे कि साइंस, स्पेस, आर्ट्स और गेमिंग एक्सेट्रा। बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलो चलते हैं हमारे टॉपिक वीनस पर। हमें पता है कि सोलर सिस्टम में हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस ही है। आपको यह बात सुनकर डाउट आएगा कि मर्क्यूरी सूरज के करीब है, लेकिन वीनस क्यों सबसे हॉटेस्ट है? हमें वीनस पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मिलते हैं। वहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की संख्या ज्यादा है। हमें पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स सूरज का हीट 90% तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे वो प्लैनेट हॉटेस्ट प्लैनेट बन गया। वीनस का सरफेस टेम्परेचर है 464 डिग्री पर सेल्सियस। हम उस टेम्परेचर से लेड को भी ईजी से पिघाल सकते हैं। अब से हम बात करेंगे वीनस के फैक्ट के बारे में। वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी बुलाया जाता है। क्या आपको पता है वीनस को अर्थ को ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है? कोई इंसान वीनस पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। क्या आपको पता है वीनस ही अर्थ का क्लोजेस्ट प्लैनेट है? वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ से भी 90 टाइम्स ज्यादा है। वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें उस पर लैंड होने से और भी मुश्किल बना देता है। हमें वीनस के सरफेस पर लिक्विड लावा हर बार दिखाई देता है। हम इंसान वीनस पर जाने के प्लान्स अभी तक नहीं बनाए हैं। क्या आपको पता है सारे प्लैनेट्स में सिर्फ वीनस ही क्लॉकवाइज रोटेट करता है? थोड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि वीनस भी पहले अर्थ के जैसा था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। बाय।